ओके बच्चों, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, 17th क्वेश्चन। ये जो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस है, ये क्वेश्चंस नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो सारे के सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ उसके, कोई भी नहीं छोड़ूंगा इसमें। तो 17 है, देखें। एक्स डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम, एक्स इक्वल टू ए कॉस टी, देन एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो एक्स क्या है, एक्स है आपके पास ए कॉस टी, तो आपको निकाल करके क्या देना है, एक्सेलरेशन कितना है। हम एक चीज जानते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, इससे वेलोसिटी निकाल लो, डिफरेंशिएट कर दो उसको, ए इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ शॉर्टकट, स्वीट ड्रीम सिंड्रेला, क्या बोला मैंने, स्वीट ड्रीम सिंड्रेला, यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन होगा, माइनस साइन होगा, तो क्या होगा, माइनस साइन टी। इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ए माइनस अपनी जगह पर, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टी। समझ में आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन आया माइनस ए कॉस टी। ठीक है ना, अब उसके आगे चलते हैं। आगे क्या, नेक्स्ट जो है हमारे पास 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय, इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट स्टार्ट कर रहा है उसका वेलोसिटी टाइम का रिलेशन को दिया हुआ है, k का वैल्यू इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपको निकाल करके देना है। ये u क्या है, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर स्पीड मान लूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा kt। समझ में आ गया, इस तरीके से मुझे ये निकालना है कितने टाइम में कितना, इतने पर्टिकुलर टाइम में कितना ट्रेवल किया, कितना टाइम बोला गया है, टाइम आपको बोला गया है कितना टाइम है, 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया। दिस इंप्लाइज, इसको ऐसा करते हैं, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt dt, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड पे, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा 0 to x, और ये क्या हो जाएगा 0 to, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ना कितने टाइम तक बोला है, 3 सेकंड में। ये हमने क्यों लगाया, आप बोलेंगे सर तो डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी देख करके क्या समझ में आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पावर 1-1 है ना, स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, अनलेस एंड टिल अपना क्या करे, डायरेक्शन चेंज कर दे। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये जाएगा kt स्क्वायर बाय 2। समझ में आ गया, 0 टू 3, आई होप आपको इंटीग्रेशन आता है बेसिक वाला। ठीक है ना, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट kt स्क्वायर बाय 2 मेरे पास आ गया, तो देयरफॉर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू 2 है, 2 into t का स्क्वायर, यानी क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 9 डिवाइड बाय 2, दोनों कैंसिल हो गया, 9 मीटर। समझ में आ गई, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 में क्या कहा गया, 19 में कहा गया पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, तो x इज इक्वल्स टू क्या है, at स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, bt क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ टाइम एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एट टाइम t, एक पर्टिकुलर टाइम t पर एक्सेलरेशन उसका 0 होगा, उस टाइम t को आपको निकाल करके बताना है। समझ में आ गया, यानी कौन से टाइम पर उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसका एक्सेलरेशन है कितना, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, पहले v निकाल लो, हो जाएगा 280 माइनस क्या हो जाएगा, ये 3bt स्क्वायर, एक्सेलरेशन के फिर से को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस कितना हो जाएगा, 6bt। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, अब हमको वो वाला टाइम निकालना है जिसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दो, 2a माइनस क्या आ जाएगा, 6bt, इसको वहां भेज दो, 6bt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a जाएगा, 2 1 2 3, तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम मिलेगा a अपॉन 3b, ये आपका क्या है, टाइम है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन इज 0, आपको वो वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन 0 था। अब सवाल उठता है कि कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन 0 था, तो हम पहले वो टाइम निकालेंगे, इससे वेलोसिटी निकल जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3t स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 12t प्लस क्या हो जाएगा, 3, वो तो हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन अब वेलोसिटी हमको जब वेलोसिटी 0 थी तब हमको क्या निकालना है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं यहां पर क्या करना पड़ेगा,
ठीक है, आई एम सॉरी वेलोसिटी निकाल ली, जब एक्सेलरेशन जीरो था तो एक्सेलरेशन पहले निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 12, एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 12, 60 इज इक्वल टू 12, 6 1 2 6 2 दैट टी इज इक्वल टू क्या है 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो इसी इंटरवल पे इसी टाइम पे इसी इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी भी निकालनी है, तो क्या कर दो 2 को पुट कर दो वेलोसिटी की जगह पर, यहां पर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से v is equals to जाएगा 3 into 2 का square minus 12 into 2 plus 3, ठीक है ना, 3 into क्या हो जाएगा 4 minus 12 to the 24 plus 3, ठीक है ना, 12 minus 24 plus 3, यानी minus 24 minus 12 plus 3, समझ में आ गया, तो आ जाएगा आपके पास क्या minus 9 meter per second, clear ना, इस तरीके से आपके पास क्या आ गई velocity आ गई, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या question number 21 कितने टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, देखिए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी शुरुआत में जीरो थी और कितने टाइम के बाद फिर से जीरो हो जाएगी, ये आपको बोला है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है 60 स्क्वायर माइनस एक्यू, ठीक है ना, अब यहां पर आपको क्या करना है वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा 12t माइनस क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ गया, तो वेलोसिटी को जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा 12t माइनस क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, अब यहां पर क्या कर सकते हैं इसको यहां भेज दो तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12t, ये दोनों कैंसिल हो गया, 3t इज इक्वल टू क्या है 12t इज इक्वल टू क्या है 3 1 जा 3 4 जा, समझ में आ गया, यानी 4 सेकंड के बाद फिर से क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, समझे, शुरुआत में जीरो थी, देखो यहां पर पुट करो जीरो, शुरुआत में जीरो थी उसके बाद 4 सेकंड के बाद फिर से जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन नंबर 22 बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर, ठीक है ना, तो बॉडी इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, ये आपको अभी एक्सेलरेशन निकाल कर ही समझ में आएगा क्योंकि सारे ऑप्शंस एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जाएगा 0, ये जाएगा 0.2 t, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक कैलकुलस आता है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है 0.2 टी, ठीक है ना, अब अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे तो बच्चे ना इसको गलती से मार्क करते थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अरे यूनिफॉर्म कहाँ है, यहां पर आप टाइम को अलग अलग पुट करते जाओ, एक सेकेंड पे 0.2, दो सेकेंड पे 0.4, तीन सेकेंड पे 0.6, तो बदल रहा है ना, हर एक सेकेंड पे एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो यूनिफॉर्म कहाँ है, तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ में आ गया, ठीक है, आगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोगों को 23rd में, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर किताब में मिलेगा आपको, चाहे आप यूनिवर्सल उठाओ, चाहे आप ओरिएंट उठाओ, आप कुछ भी उठाओ, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, उसमें 23rd क्वेश्चन, इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर माइनस dt रेज टू 4, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के दो मतलब बन सकते थे, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने बोला है, लेकिन इसमें एक्चुअली वो नहीं पूछा, उसने बोला इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, दोनों इनिशियल पूछा है, समझे, वो आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आएगा, ठीक है ना, एम्बिगस क्वेश्चन बन जाता है, ठीक, अब यहां पर आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी 0 प्लस b प्लस क्या हो जाएगा 2ct, समझ में आ रहा है, माइनस क्या हो जाएगा 4dt क्यूब, समझ में आ गई, अपने पास क्या आ गई वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम को 0 पुट करना पड़ेगा, जैसे 0 पुट करोगे यहां पर ये दोनों टर्म चलेगा, ये तो 0 है, यानी v क्या हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, एक ऑप्शन, एक चीज तो समझ में आ गई, अब b के दो ऑप्शन है तो आपको दूसरा सॉल्व करना पड़ेगा, अगर b का एक ही ऑप्शन होगा तो सीधा उसको मार्क कर, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा 2c माइनस क्या हो जाएगा
12 dt square. समझ में आ गया? अब आपको इनिशियल एक्सेलरेशन ही निकालना है, यानी क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम को जीरो पुट करना पड़ेगा. टाइम को जैसे ही जब जीरो पुट करोगे, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, 2c आ जाएगा. समझ में आ गया? तो आपका कौन सा ऑप्शन बना, वो थर्ड वाला, बी कॉमा 2c, ठीक है ना. उसके बाद 24th क्वेश्चन जो है, यह आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, जो मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का उसको क्लियर करता है. वो बताता हूं मैं क्या है. देखिए ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, the initial velocity of particle is u at t is equals to 0. The acceleration is given by acceleration m बोला उसने, at, जो मैं लिखता हूँ acc acceleration. Which of the following relation is valid? इनमें से कौन सा valid है? अब बच्चे गलती क्या करते हैं इसके अंदर? इसमें गलती हो जाती है. v is equals to u plus at लगा दिया, acceleration की जगह पर put कर दो, u plus a क्या आया? at into t या u plus at square. Long a. अब ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? ये वाली इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. यहां पर आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ये, तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बदलेगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर ये ऐसे बदलेगा तो आप क्या करेंगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप ये नहीं लगाएंगे, आप ये लगाएंगे v = u + इंटीग्रेशन ऑफ a dt. क्या लगाएंगे? v = u + इंटीग्रेशन ऑफ a dt. ये जब इक्वेशन हम डिराइव करते हैं तब हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी कांस्टेंट है. समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन आप तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो. ये चीज को क्लियर कर देता है ये क्वेश्चन, ठीक है. जेई में आ चुका है क्वेश्चन, जेई यानी जो पहले AIEEE हुआ करता था उसमें पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन. तो v = u + इंटीग्रेशन ऑफ a dt. a क्या है, यानी हमारा एक्सेलरेशन क्या है, वो है at और ये dt. तो जाएगा u + a तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, जाएगा t square by 2. तो आपका आंसर ये है v equals to u plus a t square by 2. ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ट्रेंड बना हुआ है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है. 25th, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है. पार्टिकल एक है जो कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और उसकी आपको पोजीशन दे दी गई है. पोजीशन है 2 + 8t - 4t का स्क्वायर, ठीक है ना. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t = 0 टू t = 2. 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 2 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपको निकालना है. तो आप कैसे निकालेंगे इसको, समझने की कोशिश करें. वो शुरुआत में ही कहा था, वो शुरुआत में ही 2 मीटर पे. कैसे? देखिए यहां पर 0 पुट करो, यहां भी 0, तो x क्या आएगा, t = 0 पे वो 2 पे था. वो समझ में नहीं, शुरुआत में ही कहा है, वो शुरुआत पे ही 2 मीटर पे खड़ा हुआ है. आपको बोला है 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना उसने ट्रैवल किया. तो मैं क्या करता हूं, मैं इससे पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूं. इसे वेलोसिटी निकाल लूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी यानी वो रुक गया. अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं तो क्या आएगा, ये 0, अब उसके बाद ये हो जाएगा 8, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ठीक है ना. अब वेलोसिटी क्या आ गई, 8 माइनस 80 आ गई. 0 वेलोसिटी कब होगी पता करना हूं, 8 माइनस 80 यानी t = क्या आ जाएगा, 1 सेकंड. हमको कौन से इंटरवल में निकालना है, 0 से 2 सेकंड के बीच में. और ये इक्वेशन हमको समझा रही है कि चलते चलते चलते, मान लो कहीं यहां पहुंचा था, चलते चलते यहां पर 1 सेकंड के बाद ही वो रुक गया, 1 सेकंड के बाद रुक गया, उसके बाद उसने अपनी जर्नी वापस ली. समझे क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे कि 1 सेकंड के बाद वो जाकर के रुक जाएगा, समझे. तो आप अगर ये डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे. यहां पर अगर आप पुट करेंगे 2, तो 2 तो आपको क्या बताएगा कि 2 सेकंड में क्या पोजीशन हो सकती. समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 2 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या आएगी वो पता करो. 2 सेकंड पे उसकी पोजीशन आएगी, यहां 2 पुट करो, x = 2 + 8 * 2 - 4 * क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी x = 2 + 16 - 16 कैंसिल हो गया, x = 2 मीटर. यानी 2 सेकंड पे वो कहां पर है, फिर से 2 मीटर पे. वो शुरुआत में भी कहां था, 2 मीटर पे. 2 सेकंड के बाद भी कितना है, 2 मीटर पे, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 है. समझ में आ गया? और एक बात और समझ में आ गई कि 1 सेकंड के बाद वो रुक गया था. समझ में आ गया? तो चला चला चला, 1 सेकंड के बाद रुका, फिर 1 सेकंड में कितना चला होगा, वही
वो हमको समझ में अभी निकालना है कि एक सेकंड में कितना चला था। तो एक सेकंड में चलने के लिए यहां पर क्या करेंगे, पहले वन पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, जैसे आप वन पुट करेंगे तो 2+8 × 1 − 4 × 1 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2+8 − 4, यानी कितना आ जाएगा आपके पास, x इक्वल टू 6 मीटर। ये इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन है, यानी क्या एक सेकंड में वो ऐसे चला, एक सेकंड में ऐसे चला और कहां पहुंच गया, 6 मीटर पे पहुंच गया, समझ में आ गया। तो 2 मीटर से चला, 2 मीटर वाली पोजीशन से एक सेकंड में कहां पहुंच गया, 6 मीटर पे पहुंच गया, समझ में आ गया। वहां जाकर के एक सेकंड के बाद क्या हो गया, रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गई उसकी, रुक गया, फिर रिटर्न आ गया। तो टोटल कितना चला, 2 से 6 के बीच में 4 मीटर, फिर रिटर्न जाने का 4 मीटर, यानी बन गया 8 मीटर, समझ में आ गया। बहुत सारे डिटेल्स को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, मुझे नहीं लगता ग्राफिकल मेथड इतना आसानी से सॉल्व कर देगा इसको, वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये लॉजिकली सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से समअप करता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टिकल है ये जीरो टाइम पे कहां पर था, 2 मीटर पे खड़ा हुआ था, ये हमने सबसे पहले निकाल लिया। फिर हमने ये निकाला कि कितने टाइम के बाद जाकर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो हमको पता लगा एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और हमको कौन से इंटरवल में बोला, 0 से 2 सेकंड में, समझ में आ गया। तो वो चला 2 पे था, चला 1 सेकंड के बाद 0 हो गया, समझ में आ गया, फिर रिटर्न आया। फिर मैंने पता कर लिया कि वो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, तो 1 सेकंड में हमको पता लगा वो 6 मीटर पे पहुंच गया, यानी उसने 1 सेकंड में ट्रैवल किया 4 मीटर, फिर रिटर्न गया। कैसे रिटर्न गया वो भी मुझे समझ में आ गया, जब मैंने यहाँ पर 2 पुट किया तो मुझे पता लगा कि 2 सेकंड में उसकी पोजीशन वापस से 2 मीटर थी, यानी वापस से वो कहां पहुंच चुका है, वापस से वो 2 पे ही पहुंच चुका है, इसका मतलब जाने का 4 मीटर, आने का 4 मीटर, टोटल मिलाकर के 8 मीटर, समझ में आ गया। ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छे से करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक। चलिए ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 में, a particle located at x equals to 0 at time t is equals to 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v which varies as, velocity kaise vary kar rahi hai, alpha root x ke form mein, theek hai na, velocity of the particle varies with time t as, time ke sath mein kaise vary karti hai, distance ke sath mein kaise vary kar rahi, wo de diya gaya hai aapko, nikalne bola hai ki velocity time ke sath mein kaise vary kar rahi hai ye batao। velocity kya hota hai, rate of change of displacement, to dx by dt likh deta hu, तो जाएगा अल्फा और ये रूट एक्स, है ना। अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, उनमें से एक मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो एक्स वाले को एक्स के साथ में कर दो और बाकी को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो, तो डीएक्स बाय क्या हो जाएगा, रूट एक्स ये क्या हो जाएगा, अल्फा डीटी, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, समझे, जीरो से टी टाइम तक का, जीरो से एक्स तक का, समझ में आ रहा है इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देखिए क्या मिलता है, ये रूट एक्स है, यानी रेस टू हाफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, तो जाएगा जीरो टू एक्स, यानी एक्स रेस टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, और ये क्या है डीएक्स, और ये क्या इंटीग्रेशन जीरो टू टी, और ये क्या अल्फा डी टी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, यानी क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू हाफ अपॉन हाफ, यानी क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या अल्फा टी, यानी देयरफॉर हो जाएगा, देयरफॉर टू रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा टी, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, टू रूट एक्स का, रूट एक्स का वैल्यू क्या आया, रूट एक्स मिला अल्फा टी बाय टू, ये हमको मिल गया, समझ में आ गया। इस रूट एक्स के वैल्यू को अब सुनिए ध्यान से क्या करना है, इस रूट एक्स के वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, तो वी इज इक्वल्स टू अल्फा, रूट एक्स क्या है, रूट एक्स है अल्फा टी बाय टू, समझ में आ गया, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी बाय टू, यानी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, समझ में आएगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है ना। चलिए अब उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 27 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया, द डिसेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय, where k is a constant, v naught is the magnitude of velocity at cut off, the magnitude of the velocity at time t after the cut off is, question tricky है, देखिए, एक motor boat है, एक ऐसी boat है जिसमें motor लगी हुई है, motor की help से चलती है, उसका engine को cut off कर दिया गया, यानी switch off कर दिया गया, ये मतलब उसका,
इंजन को स्विच ऑफ कर दिया गया तो उसमें जो डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगा, आप जब स्विच ऑफ करेंगे तो वेलोसिटी कम होगी ना, और वेलोसिटी कम होने को क्या कहते हैं, डिसेलरेशन कहते हैं। तो उसमें जो डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ डीवी बाई डी टी का, वो क्या है, माइनस के वी क्यू, ठीक है ना, ये डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब वी नॉट इज द मैग्नेट ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ, यानी क्या हमने क्या कर दिया, इंजन को ऑफ किया, ठीक है। इनिशियली मान लो पहले जीरो से स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, 10, 20, 30, 40, 50 थी उसकी वेलोसिटी, जब 50 पर वेलोसिटी पहुंच गई थी हमने क्या कर दिया, इंजन बंद कर दिया। तो जब कट ऑफ किया तब कितने वेलोसिटी थी, 50 थी, वही 50 वी नॉट है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, जब कट ऑफ कर दिया गया तब उसकी वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है, ठीक है। उसके बाद क्या, द मैग्नेट ऑफ द वेलोसिटी टाइम टी आफ्टर द कट ऑफ, अब कट ऑफ के बाद टाइम टी के बाद, कट ऑफ के टाइम टी के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, आपको बोला है, यानी 50 पर हमने कट ऑफ किया, अब वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो 10, 20, 50 सेकंड कुछ होगा या 20 सेकंड होगा, मान लो कुछ भी 20 सेकंड, 30 सेकंड मान लो, 30 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, कम होती जा रही है, वो हमको निकालना है कि कट ऑफ के 30 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। तो डेरिवेशन टाइप प्रॉब्लम है, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमें आता है, अभी बताया था मैंने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, हो जाएगा वी क्यू हो जाएगा माइनस के डी टी, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड पे, कहां से कहां, वी नॉट से स्टार्ट हुआ, कहां गया, कुछ वी पे जाएगा, मान लो, समझ में आ गया, ठीक है ना। और यहां पर जीरो से टी ऐसा है। अब इसको जरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, उसको जरा समझो, देयरफॉर जाएगा वी नॉट से वी, वी रेज टू माइनस थ्री डी वी, और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी माइनस के डी टी, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या, देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा v raise to minus 2 upon minus 2, है ना, minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1, v not से v, ठीक है ना, is equals to यहाँ पर क्या आ जाएगा, minus k t, समझ रहे हैं। अब इसके बाद क्या, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं minus 1 by 2 v square, और ये क्या है, v not से v, और ये क्या है, minus k t, ठीक है ना। अब ये वाले इसको पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हाफ वी स्क्वायर माइनस वन माइनस हाफ हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या आएगा, v नॉट का स्क्वायर, समझ में आ गया, इज इक्वल्स टू क्या, ये माइनस के टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, जरा समझो, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ को बाहर लेते हैं, जैसे हाफ को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ को बाहर लेंगे तो जाएगा वन अपॉन, हो जाएगा वन अपॉन v नॉट का स्क्वायर माइनस वन अपॉन v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के टी। टू को वहां भेज देंगे, टू को वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा वन अपॉन v नॉट का स्क्वायर माइनस वन अपॉन v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू के टी, ठीक है ना। मुझे निकालना क्या है, v कितना है, यानी t टाइम पे क्या वेलोसिटी थी, तो इसको यहां भेज देंगे, इसको यहां भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v नॉट का स्क्वायर प्लस 2 kt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v का स्क्वायर, देयरफॉर क्या आ जाएगा, इसको अभी क्या कर देते हैं, इसको यहां भेज देंगे, जैसे इसको यहां भेज देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास इस तरीके से 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 2 kt v नॉट का स्क्वायर अपॉन v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं क्या कर देता हूं, देखो जरा ध्यान से, मैं v स्क्वायर यहां पर लेकर आ जाता हूं, तो हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 kt v नॉट का स्क्वायर। तो v का क्या होगा, v हो जाएगा अपने पास, रूट ले लिया मैंने दोनों साइड, हो जाएगा v नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 kt v नॉट का स्क्वायर, ये आपके पास आ गई इसकी वेलोसिटी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन 4, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था अब तक का, ठीक है ना। सॉल्विंग भी ज्यादा है इसके अंदर, अच्छे से करके जाओ इस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या देखिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है, 28 में दिया हुआ है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू टाइम एवरेज वेलोसिटी। आपको बोलता है एक पार्टिकल जो रेस्ट से स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में, आपको रेशियो निकालना है स्पेस एवरेज वेलोसिटी का टू टाइम एवरेज वेलोसिटी। दोनों का फॉर्मूला बताता हूं, स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी स्पेस के लिए क्या होती है, स्पेस यानी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ये स्पेस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और टाइम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टाइम एवरेज का, यानी टाइम के हिसाब से क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों क्या करना पड़ेगा, भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो देखो ध्यान से कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझो इसको। बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही आसान कर देता हूं प्रॉब्लम को, देखिए ध्यान से। यहां पर क्या देखो, v इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 80, कैसे इसको जरा समझो,
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब पार्टिकल कैसे स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। यू क्या है? जीरो। दिस इंप्लाइज वी इज इक्वल टू क्या आया? एटी आया। अब समझे? तो ये तो मुझे क्या मिल गया? बी मिल गया। अब यहां पर जरा समझने की बात ये है कि v क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। दिस इंप्लाइज ऐसे लिख सकता हूं ds / dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 80। v के लिए क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इंप्लाइज ds क्या मिलेगा? वो मिलेगा a * d * dt। 80 dt मिला मुझे। क्या मिला? ds 80 dt। समझ में आ रहा है? इस तरीके से मैं एवरेज स्पेस वेलोसिटी निकाल लूंगा। v एवरेज इन स्पेस क्या हो जाएगा? बताओ बताओ जल्दी से। एवरेज स्पेस क्या होगा? ये v तो अपनी जगह पर, v क्या है? v तो है 80। तो v की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 80 ये अपनी जगह पर, इनटू उसके आगे क्या है? ds। ds क्या मिला? ds मिला 80 और dt, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है? 80 इनटू क्या ये? dt। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करने का कैसे करोगे? a2t2 dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? देखो जरा ध्यान से। ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा टी क्यूब बाय थ्री, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या मिलेगा? देयरफॉर वी एवरेज और ये क्या अपना स्पेस इज इक्वल टू, यहां पर क्या मिलने वाला है समझो? ये मिलेगा ए स्क्वायर टी क्यूब अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय टू टाइम्स ए टी स्क्वायर। एक ए एक ए कैंसल, दो टी यहां से कैंसल, तो बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास टू ए टी अपॉन थ्री। क्या मिला? टू एक ए एक टी अपॉन क्या आया? थ्री। समझ में आ गया? ये स्पेस वाला आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ प्रॉब्लम, अभी आपको क्या निकालना है? टाइम एवरेज। इसको यही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको निकालेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या मिला? वी तो 80 मिला डी टी अपॉन, ये क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यानी सीधा टी हो जाएगा। उसको इंटीग्रेट करोगे सीधा टी हो जाएगा। a हो गया, ये हो जाएगा t square by 2 upon क्या हो जाएगा? t, यानी क्या हो जाएगा? a t square upon 2t, 80 cancel, आया 80 upon 2, समझ में आ गया? दो चीजें मुझे मिल गई, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, उनका रेशियो ले लेता हूँ, ठीक है ना? तो हमको क्या निकालना था? हमको v average space वाला और v average time वाला, दोनों का रेशियो निकालना। space वाले का क्या है? 280 by 3 sequence देखने का, अगर ये पहले दिया है space वाला तो उसको पहले ही लिखना पड़ेगा, गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है ना। ये 80 बाय 2, ये क्या हो जाएगा? 280 बाय 3 इनटू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 80, ये दोनों के दोनों कैंसिल, क्या आया? 4 अपॉन 3, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन था, उसको पूरा का पूरा डिटेल में समझा दिया मैंने। समझ में आ गया? जितना मैं करा रहा हूं, अगर आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ये चैप्टर के जो भी क्वेश्चन नीट में आएंगे या जेई में आएंगे आप इंशाल्लाह निकाल लेंगे उसको। समझ में आ गया? लेकिन जो मैं करा रहा हूं उसका एक एक प्रॉब्लम बहुत अच्छे से करना। फिजिक्स में तुमने 120 भी लेकर के आया नीट में अगर, तो मोर देन सफिशिएंट है। और तुमने अगर जेई मेंस में 60 भी लेकर के आ गए, 120 में से 60 भी लेकर के आ गए, तो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तुमने। समझ में आ गया? तुम्हारा कहीं भी कोई भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए इसके बाद जो है 29th क्वेश्चन है। 29th क्वेश्चन में क्या है? 29th क्वेश्चन में क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजीशन वेक्टर गिवन है r बार इज इक्वल्स टू r नॉट बार 1 माइनस 80 इनटू t, ठीक है ना। और r नॉट कांस्टेंट है और t टाइम है एज वेल एज। उसके बाद क्या, कितने टाइम के बाद पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे? जब पार्टिकल यहां से चला और रिटर्न आ गया ना, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होगा? उसका जीरो हो जाएगा आर बार। आर बार को जीरो ले लो, जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर नॉट बार 1 माइनस 80 इनटू टी, ये नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 80 इनटू टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसको भी नीचे भेज दो, ये हो जाएगा ऐसे, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 80, यानी टी क्या हो जाएगा? 1 बाय ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में डेंजर लगता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी टी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए टाइम के बाद क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 29 से रिलेटेड है। देखिए ध्यान से, 29 से रिलेटेड क्या है इसके अंदर? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहां पर मेरे पास r बार है इक्वेशन ना, r नॉट बार 1 माइनस 80 इनटू t, इसको डिफरेंशिएट कर दो, हो जाएगा v बार। ये क्या हो जाएगा? ये तो r नॉट बार क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इसका क्या होगा बता सकता है कोई?
ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसको, टी माइनस क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, देखिए आर बार इज इक्वल्स टू आर नॉट बार, ये हो जाएगा टी माइनस 80 का स्क्वायर। समझ में आ गया इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा वेलोसिटी वी बार, डिफरेंशिएट कर दिया तुमने आर नॉट बार वैसे का वैसे ही, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 280। समझ में आ गया इस तरीके से अपने पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे जब वो आएगा तो एक चीज हम जानते हैं कि टाइम का वैल्यू कितना है 1 बाय ए, तो वी बार क्या हो जाएगा, वी बार हो जाएगा आर नॉट बार 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा 1 बाय ए, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा तो टाइम कितना है 1 बाय, ये दोनों के दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गए, तो वी बार क्या हो जाएगा आर नॉट बार और ये क्या अपने पास 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, तो हो जाएगा वी बार इज इक्वल टू माइनस आर नॉट बार। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब एक और क्वेश्चन उसमें है, क्वेश्चन नंबर 31, वो आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप करिए या कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों के डाउट्स हैं, अभी तो एक क्लास ऑक्यूपाइड हो जाएगी, जिन बच्चों के डाउट्स हैं मैं नेक्स्ट एक और सेशन रिकॉर्ड करूंगा, उसमें जो जो व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे डाउट्स हैं वो डाउट्स उन क्वेश्चन वो डाउट्स उन वीडियो में क्लियर करा दूंगा मैं, ओके ठीक है ना।